मेरा मेरे पति मेरा वापस आ इंसाफ गए। वापस होना चाहिए, मेरा बच्चा का इंसाफ होना चाहिए, मेरा पद एक पत्नी का इंसाफ होना चाहिए, पत्नी का इंसाफ होना चाहिए। रोड वाला करते थे, सड़क का क्या मतलब, कालीकरण वाला या सीमेंट ढालने वाला? सीमेंट सरकारी और सरकारी कालीकरण, हाँ ढालने वाला करते थे। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर क्षेत्र के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां स्थानीय निवासी ममता भारती ने अपने पति संजय शाह के अपहरण कर हत्या कर देने के आशंका जताई है। आपको बता दें कि पूरे परिवार अभी पूरी तरह से डरे सह में हुए हैं। वही 5 दिनों से जगह जगह पर अपने पति की खोजबीन कर चुके हैं। वही ममता भारती ने सिवाईपट्टी थाने में अपने पति के अपहरण और हत्या का आशंका जताते हुए आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर अपने पति को लेकर काफ़ी चिंतित है और रो रो कर न्याय की गुहार लगा रही है। वही ममता भारती के 2 बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पति कई वर्षों से सड़क बनाने की ठेकेदारी भी करते हैं और उनका परिवार उसी से चलता था। वही परिजन के अनुसार कई महीनों से एक पंचायत के मुखिया पति के साथ 3 अन्य लोगों के द्वारा पैसे की बात कही जा रही थी और उसको लेकर जान से मार देने की धमकी भी दी जा रही थी, जिसके बाद यह घटना घटी, जिसके बाद से पूरे परिवार में अभी दहशत का माहौल है और न्याय के गुहार लगा रही है। अच्छा, क्या हुआ, घटना क्या हुआ, बताइए तुझे। मेरे घर पर आए अमोजी, मेरे पति को बुला कर ले गए, बोले कि चलो कुछ अथी वाला काम है जिनमें पैसा आपको मिलेगा, वो बुला कर ले गए जो साथ में काम करते थे, कि बोले कि इसे ले जाते हैं हम पटना। अब वो बुला कर ले गए, वहाँ वो ला कर ले जाने के बाद वहाँ बोले कि हम पटना पहुँच गए हैं। जब रात में बात हुई तो बोले कि वहाँ घर पे हम उसकी बहन के डेरा पे हैं, जो रात में हम सुबह में घर पर हम आ जाएंगे। लेकिन सुबह में फिर बात हुआ तो बोले कि हम आ रहे हैं। फिर 3 बजे फिर बात हुई कि हम फिर घर पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उनका न कुछ पता चल रहा है, मोबाइल बंद बता रहा है। कब गए थे वो? दस को निकले थे गांव से। अच्छा, इसी अक्टूबर में? अक्टूबर में 10 तारीख। अच्छा, और वहां जाके उनकी बहन के डेरा पे रुके थे। अच्छा। जब रात में अमोद जी से भी बात हुआ, बोले कि हम बहन के डेरा पे रुके हुए। संजय जी से भी बात हुआ, वो भी बोले कि हम डेरा पर उनके अमोद की बहन के डेरा पे हम रात में रुकेंगे, वहीं पे रुके थे। अच्छा। और बोले कि सुबह में हम आ जाएंगे, समझे। उसके बाद जब सुबह में बात हुआ तो बोले हम आ रहे हैं। 3 बजे के बाद बात हुआ तो उसके बाद उनका ना कुछ पता चल रहा है, मोबाइल बंद है, ना उनके बाद कुछ पता चल रहा है, ना कुछ हो रहा है। मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है। क्या? इनके कितने कितने बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की है। ये लड़का है? ये लड़का है। क्या नाम है? हर्षराज। अच्छा, और ये बेटी हुई? ये बेटी हुई। क्या नाम है इसका? स्नेहा। इसके बाद मेरा उन पति के बाद उसके बाद मेरा कोई सहारा नहीं है। क्या आपका आशंका क्या है, क्या हुआ, मतलब आपके पति भाग गए हैं या वो कब्जा में रखे हैं या काम कर रहे हैं, क्या है? मेरा शंका है कि वो अमोद जो है वो लेकर क्या हत्या कर दिया है कि मार दिया है, वो ही बताएंगे कि क्या क्या किए हैं मेरे पति को। क्या करते थे, मतलब ठेकेदारी करते थे कि काम? वो अमोद के साथ ठेकेदारी करते थे। कितना साल पहले से करते थे? 5-6 साल पहले से उनके साथ में रहते थे। उनका घर मेरे आना जाना सब था और बुलाकर यहाँ से घर से लेकर गए थे। कितने बजे यहाँ से निकले थे, घर से गए थे? निकले थे यहाँ करीब 3 बजे के बाद से निकले थे। क्या बोल के गए थे? बोल के गए थे कि हम जा रहे हैं अमोद कुछ पैसा को, जो 2 साल से पैसा रुका हुआ था उसको लेने के लिए गए जा रहे हैं, कुछ हिसाब करने के लिए। अमोद साथ में बोले कि ठीक है, हम बोले कि जाइए, अगर नहीं कमाइएगा तो कहाँ से आएगा। इसके कारण वह निकले। अब गए, बोले कि नहीं हम जा रहे हैं साथ में। शिकायत आपने कहीं दर्ज कराया है? हाँ, शिकायत दर्ज अपना थाना सिपाहीपट्टी में जो है ना, वहाँ हम दर्ज किए हैं। अच्छा, क्या उसमें किसको पर संदेह आप जताए हैं, ये घटना का कौन अंजाम दिया है? अमोद कुमार।
जो बुलाकर ले गया, बुलाकर ले गया जो अमोद कुमार। अच्छा, उसके बाद प्रमोद कुमार, टिंकू कुमार और फूल बाबू उफ में रणधीर कुमार। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्या कुछ मांग करते? प्रशासन से यही मांग करते कि मेरा इंसाफ होना चाहिए, मेरा मेरे मेरा इंसाफ वापस होना चाहिए, मेरा बच्चा का इंसाफ होना चाहिए, मेरा एक पत्नी का इंसाफ होना चाहिए, पत्नी का इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, अभी तक प्रशासन कुछ आपकी मदद कर रही है जांच पड़ताल? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं मदद कर रहा है। कब ये मामला दर्ज कराया? मामला हम सिवाई पट्टी थाना में 14 तारीख को हम किए। अच्छा, इस बीच में आप 11 तारीख से 3 दिन खोजबीन किए हैं? तो 3 दिन हम खोज हाजीपुर से लेकर और मुजफ्फरपुर तक पूरा छानबीन कीजिए हैं, कुछ पता नहीं चला है हमको। अच्छा, क्या मजदूरी करते थे, ठेकेदारी? हाँ, ठेकेदारी की अथी में दोनों में सब दोस्त उसमें मिलकर काम करते थे, ठेकेदारी वाला। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।